जगह अपना काम करती है। राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार वायदा की थी, इंदिरा गांधी नहर लेकर चंबल नहर बनाई, दूसरी सिंचाई परियोजना के कांग्रेस ने बनाई, तो ये जो पंचायत के और जो वायदे किए थे वो सभी हम, मैं गिनना नहीं चाहता, बहुत है। कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ दिया, मिनिमम इनकम गारंटी दी, महंगाई राहत कैंप दिया, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर दिया, 12वीं तक आरटीई में फ्री शिक्षा दी, पुरानी पेंशन दी, शहरी रोजगार योजना लागू की, 21 लाख किसानों को 16000 करोड़ रुपए कर्ज क्या हो गया, माफ हुआ। तो ये सब हमारे योजनाएं हैं और बहुत से चीजें अभी भी है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूं। फिर आपके सामने एक ही मुद्दा रखूंगा, बहुत पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, एक पूंजीवादी समाज की शक्तियों को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वे अमीर को और अमीर बना सकते और गरीब को और गरीब बनाते। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच, ये है कांग्रेस की सोच, ये है राहुल गांधी की सोच, ये है सोनिया गांधी की सोच, ये सोच सब कांग्रेस लोगों की है। एक मैं फिर एक बार, एक पूंजीवादी समाज की शक्तियों को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वो अमीर को और तथा गरीब को और गरीब बना देती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज अमीर और गरीब में बहुत बड़ी खाई है। इस देश के 5% लोगों को उनके पास 62% वेल्थ है, 5% लोगों के पास जो अमीर है 62% है, और 50% गरीबों के पास 3% वेल्थ है, 3% संपत्ति है। आप सोचिए, गरीब का गरीब होते जा रहा है, अमीर का अमीर होते जा रहा है। एक आदमी जिसके पास 10-20 हजार करोड़ रुपए थे आज लाखों रुपए का मालिक हो गया, और दुनिया का नंबर टू वो अमीर बन गया है। ये कैसा बना? जैसा कि राहुल जी ने बोला, चंद पूंजीपति लोगों को मोदी सरकार ने पाला है, उनको सब कुछ दिया है, और सब कुछ सरकार का लेके पब्लिक सेक्टर्स दौड़ी के काम पे वो चले गए, दमड़ी के काम पे बेचे गए। मैं समझता हूं राजस्थान का एयरपोर्ट भी अदानी के पास ही होगा, है कि नहीं कि? तो हर चीज अमीरों को बेचा जा रहा है, तो फिर कहां गरीब बचेंगे? तो इसलिए दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता, क्योंकि आपको मालूम है सिलेंडर पहले तो 500 रुपए में मिलते था, उसको तो 1100 रुपए कर दिए। लेकिन ये राजस्थान वालों की किस्मत अच्छी है, गहलोत ने उसको 500 रुपए में दिया। और मुद्दों से अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बारे में मोदी कभी नहीं सोचते, इन्फ्लेशन है, मोदी कभी नहीं उसके बारे में सोचते, महंगाई के बारे में नहीं सोचते। अरे टमाटो, प्याज, दाल, तेल सब महंगे हो रहे हैं, उसके तरफ उनका ध्यान नहीं, उनके तरफ सिर्फ जय जयकार होना, उनको आजू बाजू आगे पीछे जय जयकार करने वाले लोग होना, और हमको यही क्वेश्चन पूछते रहेंगे, 70 साल में तुमने क्या किया, बार बार वही पूछना। अरे भाई कितने बार पूछेंगे आप,
10 साल हो गए, वही प्रश्न हमारे को पूछते हैं। हम बार बार